सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे सुनो सुनो भाई, तुम भी इस तरह का एक इंस्टीट्यूट चालू कर सकते हो ना। यही सोच रहा हूँ मैं। तुम्हारे भरोसे पर 50 एकड़ खेत बेचकर मैंने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया था। अगर तुम अचानक चले जाओगे तो मुझे जिंदगी भर भीख मांगनी पड़ेगी। चचे, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम फिक्र मत करना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, डियर स्टूडेंट, Today I'm going to give a lecture on Java programming language. Java is a collection of classes in a systematic arranged structure. A group of such classes are put in a package. And so, class is the basic element of Java. Now let me give you an example, okay? Please, sirf ek baar baat karne dijiye. No, koi baat nahi karni hai. तुम्हारी बेटी अमेरिका में है, कोई छोटी बच्ची नहीं है। हर रोज उसे बात करना जरूरी है क्या? 30,000 पिछले महीने का, 40,000 इस महीने का, हर महीने का बिल इतना भर भर के मैं पागल हो जाऊंगा। इस महीने में बिल नहीं आएगा जी, मैंने एक बार भी बात नहीं की है। अच्छा? ये क्या किसी है? और का बिल अपने पास आ गया। किसी और का बिल कैसे? कुछ नहीं, मुझे देखने कुछ दो नहीं जी। मुझे देखने दो, क्या है? कुछ नहीं बोल रही हूँ ना। क्या हुआ, वापस टेलीफोन बिल आ गया ना? कुछ नहीं बोल रही हूँ, फिर भी आप सुनने को तैयार नहीं। इस तरह तुम छुपा रही हो तो मुझे लगता है ये टेलीफोन बिल ही होगा। 1,10,000 रुपए का बिल, अब तो ये फोन कट करके ही रहूंगा मैं। सुनिए ना जी, आप तो फोन कट ही करने वाले हैं ना, तो मैं सिर्फ एक बार बात करूं। एक बार क्यों, दो बार फोन करो। कट कर दिया। पापा, मम्मी, इधर आइए। क्यों माँ, खुश हो ना? क्यों माँ, ऐसे क्यों देख रही हो, बात करो ना। अरे बेटा, तेरी दीदी है ना? हाँ माँ, दीदी ही है। कल मैंने बताया था ना वीडियो चैटिंग के बारे में, ये वही है। हमारे जान पहचान वाले इस दुनिया में कहीं भी रहे, इसके जरिए हम उनसे बात कर सकते हैं। माधुरी, मैं तुझे सामने देखकर डर गई थी, बात ही नहीं निकल रही थी। रात को फोन पर तुमने बताया था कि सर में दर्द है, अब कैसा है माँ? मतलब सर में दर्द होता है तो भी फोन पर बताती हो? क्या पापा, आप भी ना। अरे ये तो बंटी है ना। हेलो जीजा जी, आपको चश्मा लग गया क्या? एज हो गई ना साले जी, क्या करें। बेटी, दामाद जी दुबले क्यों हो गए? तुमने जो अचार भेजा था वो सारा खत्म हो गया, तभी से ये कम खा रहे हैं। अरे रे, कल ही बनाया था मैंने, अभी लाती हूँ। हेलो, लाकर क्या करोगी, टीवी को खिलाओगी क्या? हे भगवान। अरे बेटा, यहाँ खिलाने पर वहाँ टेस्ट पता चले तो ऐसी मशीन क्यों नहीं बनाता। क्यों रवि,
घर में वीसी लगवा लिया, इनकम बढ़ गई है क्या? अरे जीजू, मेरी बहन से शादी करके आपने सब कुछ तो लूट लिया, अब और नजर मत रखिए। ये तो नजर रखेंगे ही ना, चश्मा जो पहनने लग गए हैं। अरे बेटी, इसके लिए भी वहाँ पर कोई लड़की देखना। हाँ जरूर देखूंगा। अरे रे, तूने बंद क्यों किया? अगर मैं इसे बंद नहीं करता तो आपका भाषण नहीं बंद होता। चलिए, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो, आइए। हेलो रूबी, व्हाट हैपेंड? रूबी इज हियर, हु आर यू? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आई एम सॉरी, प्लीज कट योर लाइन। व्हाई डिड नॉट यू कट योर लाइन? यू सी, वी आर इन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। माय नीड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओ पापा, ये मेटक्के को बोलो तो, ये तो वायरस दिखे जास्ती विरक्त तो करचे। ए, तुम बंगाली हो सुबोध रवि? हां बंगाली हूं, लेकिन नाम बता रही हो गलत है। तुम्हारे चेहरे के लिए यही सूटेबल है। तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही है क्या? बहुत अच्छी तरह, हॉरर फिल्म के हीरो की तरह लग रहे हो। ए सुब्लक्ष्मी, कहाँ से बोल रही हो? हाँ अरेबिक समंदर के नीचे से बोल रही हूँ, आओगे क्या? ये छुड़ैल, तुझसे जो शादी करेगा वो फिनिश हो जाएगा। तुम्हें लड़कियों से बात करने की जरा सा भी तमीज नहीं मिस्टर सुबोध रवि, गुड बाय। हु आर यू? तुम पहले शर्ट पहन के आओ, फिर बताती हूँ। कंप्यूटर इंजीनियर हो, पर ये भी नहीं पता कि जब बेडरूम में होते हो तो सावधानी से रहना चाहिए। सुबोध रवि। ओहो, तो सुबलक्ष्मी हो, फिर से क्यों पीछे पड़ गई? सॉरी बोलने के लिए। तुम कौन हो ये जाने बिना मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना? मेरा आईपी एड्रेस तुम्हें कैसे पता चला? आईपी एड्रेस क्या, तुम्हारा बायोडाटा भी जानती हूँ। ब्लैकमेल कर रही है मुझे? हाँ सोचा था, पर तुम बॉक्सर हो ये सुनकर मैं पीछे हट गई। मेरा बायोडाटा तो अच्छी तरह जान लिया है। इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम मुझसे मिलोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों सर? मुझे देखते ही तुम्हारी आँख अच्छी है, तुम्हारे गाल अच्छे हैं, सो आई लव यू कहने के लिए ना। सॉरी, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स। हेलो सुब्लक्ष्मी, मैं तुम्हारा ग्लैमर देखकर फंसने वाला वीक पर्सन नहीं हूँ, मेरी जिंदगी के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल है? तो जिस लड़की से प्यार किया शादी भी उसी से करनी चाहिए, उसे कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। खूबसूरती नहीं बल्कि सच्चा दिल होना जरूरी है, ऐसा और भी बहुत कुछ है। खूबसूरत लड़की हो तो सभी उससे शादी करना चाहते हैं, इससे हटके कोई और प्रिंसिपल हो तो बताओ। लव लेटर है क्या? ओहो, लव लेटर ही है। हाँ, तुम जो चाहती हो वो सारी क्वालिटीज मुझ में है। जो मेरे लिए जान दे सके उसी लड़की से मैं शादी करूंगा। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। इंस्पिरेशन, मुझे इंस्पायर करने वाली लड़की से ही मैं शादी करूंगा। इंस्पिरेशन मतलब? ये सब इस तरह नहीं समझा सकता। फिर वो लेटर किसके लिए छुपा रखा है? अगर वो लड़की मिल जाए तो फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक। नहीं, तुम्हारे इमोशन और फीलिंग पर मैं भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, स्त्री सिर्फ एक आदमी से प्यार करती है, पर आदमी बहुत सारी स्त्रियों से प्यार करता है। तो सिर्फ लड़कियों में ही प्योरिटी है? नो, लड़कों में भी प्योरिटी होती है, मैं साबित कर सकता हूँ। चैलेंज। अगर तुमने ये मान लिया तो हम दोनों फ्रेंड बन जाएंगे। ओके ओके। कॉफी वो भी दो ना माँ। कोई नहीं तो मैं पी लूंगा। ये क्या है, दोनों कॉफी अकेले ही पियोगे क्या? ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, दो आकर ले लो। नहीं सुबोध रवि, मैं भूतनी की तरह दिखती हूँ, अगर तुमने मुझे देख लिया तो डर जाओगे। क्यों? कुछ लोग खूबसूरत होते पर उनकी बातें सुनने लायक नहीं होती, और कुछ लोग खूबसूरत नहीं होते फिर भी उनकी बातें हमें अट्रैक्ट करती है। कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर हमेशा नजर आता है, वो अपनी आंखों से हंसते हैं, ये उनकी आंखों से पता चलता है। रुको रुको, क्या कहा तुमने, आंख हंसती है? यस, हंसती है, कभी भी तो कहते हैं। नो, इट्स इम्पॉसिबल मैन। यस, इट इज पॉसिबल। शर्त लगाओगे? ये अपना चेहरा कब दिखाएगी? ये क्या, मन में बातें करने लग गए? अब कुछ नहीं। तुम पहले आंखों से हंस के दिखा, तब मैं सामने आऊंगी। वन सेकेंड, अभी हंस के दिखाता हूँ। सुबोध रवि, तुम आंखों से हंस रहे हो या दांतों से? स्मॉल मिस्टेक हो गई बस।
वेरी बिग मिस्टेक सुबोध रवि, सिर्फ आँखों से हंसना चाहिए, दांतों की हंसी नहीं दिखनी चाहिए। ओके, कल हंसकर दिखा दूंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हें अपना चेहरा कल दिखाऊंगी। बाय। क्या रवि, कंप्यूटर गेम खेल रहे हो क्या? नहीं यार, आईटी कंपनी वालों ने आंखों से हंसकर दिखाने का ऐड बनाना चाहते हैं, उसके लिए करोड़ रुपया भी दे रहे हैं, उसी की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहा, आंखों से हंसने के लिए करोड़ों रुपया देंगे? तुम ये काम कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, कंप्यूटर के मामले में मैं जीरो हूँ, पर इस मामले में मैं हीरो हूँ। अच्छा, एक बार हंसकर बता। एक बार क्या, मैं 10 बार हंसकर दिखा दूंगा। बता, बता। आँखों से, अपनी आँखों से। यहाँ देखकर हंसो। दांतों से नहीं, आँखों से। देखो। I see। किसी से भी लिंक नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब मैं अभी आता हूँ। सर सर सर, आपके बॉस रो रहे हैं, लगता है कोई दुनिया से चला गया है, जल्दी आइए। सर क्या हुआ? सर मत रोइए सर, प्लीज। सर अगर आप रोएंगे तो कैसे चलेगा सर? सर जो चला गया वो आपके रोने से वापस आएगा क्या? सर सर जो चले गए वो वापस आते हैं क्या? आपका इस दुनिया से कौन चला गया सर? कोई नहीं गया, अगर तुझे मारूंगा तो तू चला जाएगा। मुझे रोना पड़ रहा है, ये मेरी बदनसीबी है। आपकी बदनसीबी है तो आप रोइए सर, सच बात क्या है बताइए, मैं अभी सॉल्व करता हूँ सर। मेरी प्रॉब्लम तू क्या सॉल्व करेगा, चल अब निकल यहाँ से, जल्द निकल। अरे तुम लोग भी निकलो यार। रवि, हाय। तुम रेडी हो? हाँ, रेडी हो ना? पास आओ। आ गई। और पास आओ। अब देखो, मेरी आँखों में अच्छी तरह से देखो। देख रही हूँ। देखो। देखो। देखा ना, अपनी आँखों से कैसे हंसा मैंने? आँखों से हंसना इसी को कहते हैं। ठीक है सुबोध रवि, मैंने जैसा कहा था मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, अच्छी तरह देखो। क्या हुआ सुबोध रवि, तुम शॉक्ड हो गए ना? नो नो, इसमें शॉक की क्या बात है, लेकिन तुम ऐसे करोगी मैंने सोचा नहीं था। तो तुमने सही क्या किया, आँखों से हंसने के बजाय तुम मुँह से हंसने लगे। अगर दिल से हंसोगे तो आँखें जरूर हंसती हैं। ये मुझे भी अच्छी तरह पता है। क्यों सुबोध रवि, तुम पीछे मुड़ गए? जब तुम अपना चेहरा ही नहीं दिखा रही हो तो मुड़ के क्या फायदा? फिर तुम इस तरफ मुड़ो। अरे मुड़ो तो सही। क्यों? पहले मुड़ो फिर पता चल जाएगा, मुड़ो ना सुबोध रवि। सुबोध रवि, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब तक मैं तुम्हें सिर्फ अंधेरे में देखता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें देखकर मैं उनमें इस तरह खो जाऊंगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी आंखें गुलाब के फूल की तरह खिली हुई है, तुम्हारी मदमस्त आंखों से खुशियां छलकती है। तुम्हारी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आती है, तुम्हारी आंखों में वो जादूगरी है। दिस इज माई इंस्पिरेशन। हे 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 हे
बस तुम हो मेरा प्यार पहला इकरार पहला मेरी जान में तुम हो मेरा तुम हो सपना दिल का हो अरमां तुम ही हो अब मेरे तो जहां मन में हो तन में हो जाने जा देखे बिना मुझे प्यार हो गया मेरे दिल में तुम हो मेरा प्यार पहला इकरार पहला आने तक इस लड़की को देखिए। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए ना, लड़की बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उसे पसंद आए तब ना। ये क्या रवि, तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखा है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये लड़की हमारी तरफ की है, ये यहाँ पढ़ाई कर रही है। नाम है दीप्ति। दीप्ति, ये मेरा भाई रवि है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा बेटा थोड़ा शर्मिला है। तुम खुद ही बात करो बेटी। आपके बारे में आपकी बहन ने बताया था, लेकिन आप शर्मिले हैं ये नहीं बताया था। मैं शेक्सपियर का नाटक बहुत पसंद करती हूँ। और तुम्हें क्या? मैं बच्चों की कहानियाँ बहुत पसंद करता हूँ। ए आर रहमान का वंदे मातरम मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरे गांव में जो ढोल बजाकर धनती नाती नाचते है ना, वो पसंद है। आप मेरे बारे में नहीं पूछेंगे? आप कहाँ तक पढ़ी है? एमए साइकोलॉजी। आई सी। मैं आपसे शादी कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली नहीं। क्यों? सिर्फ मुझसे ही नहीं,
पेरेंट्स की चॉइस की लड़की से शादी नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी यू आर इन लव। एनीवे आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो हेलो सुबोध रवि। हाय। अरे क्या है बेटा? आप वो एंगेज नहीं था, एंगेजमेंट की बातें हो रही थी। मेरी माँ और बहन मुझे इंटरनेट पे लड़की दिखा रहे थे। तो तुम्हें लड़की पसंद आई क्या? उस लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया। वो क्यों? ऑलरेडी तुम्हें कोई लड़की पसंद है और तुम उससे बेहद प्यार करते हो, उसने क्लियर बता दिया। तुम्हारे पसंद की लड़की कहाँ है ये उसने बताया क्या? वो कहीं अरेबियन समुद्र के नीचे रहती है। ए, तुम चुप क्यों हो? हाँ सुबोध रवि, मैं तुरंत तुम्हारे पास आकर तुमसे गले मिलना चाहती हूँ। मेरा भी यही हाल है, मुझे अपना पता बता दो, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। तुम्हें रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद आ रही हूँ। ओके? सच में? तो फिर मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम मुझे कैसे पहचानोगे? अपने दिल से पहचान लूंगा। तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए? जो मांगूंगा दोगी क्या? शर्माओ मत, बोलो। किस चाहिए? ए! किस दोगी ना? ठीक है, मैं ही ले लूंगा। तुम पहले मुझे पहचानो, बाद में देखती हूँ। बाय। या। Your attention, please. Flight number 116 passengers, please receive your luggage. यात्री कृपया ध्यान दें। वेलकम टू इंडिया। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हें इतनी जल्दी पहचान जाऊंगा, ये तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? खुशबू से फूलों को, स्वर से गायक को, और इस लॉकेट से तुम्हें पहचान लिया ना? आप हैं कौन? मैं कौन हूं? माय डियर शुभलक्ष्मी, तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं हूँ तुम्हारा सुबोध रवि। सुनिए, लगता है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। शालू, व्हाट इज द मैटर, हु इज ही? मुझे पता नहीं कौन है, लगता है कोई पागल है। व्हाट मैन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? सॉरी सर, अनजाने में मुझसे। सॉरी व्हाट? सॉरी, शी इज माय वाइफ। सॉरी सर, आप जाइए, जेंटलमैन लगते हो। प्लीज, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये कौन है? घूम कर खड़ी है, मतलब शुभलक्ष्मी होगी। ये क्यों खड़ा हो गया? लगता है पहचान लिया क्या? पक्का यही शुभलक्ष्मी है। ये मुझे कैसे पहचान सकता है? जाकर बुके दे ही देता हूँ। अरे इसने तो पक्का पहचान लिया, क्या करूँ अब? Excuse me? अरे अरे अरे, मैं आंटी हूँ, तुम्हें ये कैसे पता चला? ये किसके लिए है? मेरे लिए है ना? और ऐसे क्यों देख रहे हो? ओ, अपने अंकल का इंतजार कर रहे हो? वो नहीं आएगा, मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है।
अरे पर मैं क्या करूं आंटी? क्यों दिया वो नहीं पूछा? वो हमेशा मस्ती करता रहता है, मुझे पास में बुलाकर इंग्लिश टॉक करके लिप पर किस देता था, और इसीलिए मैंने एक बार जोर से थप्पड़ मारा और बकिंगम पैलेस से उसे नीचे गिरा दिया। अरे सुन, अरे तो मेरी पूरी कहानी तो सुन, कहां जा रहा है? तुझे भी थप्पड़ चाहिए क्या? अरे छूट जाएगी टैक्सी। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूं, तू मेरी बात काट कर आगे जा रहा है। सॉरी। क्या है ये? मेरे लिए है। वो क्यों? अभी देख के देती हूँ। थैंक यू आंटी, इस उम्र में आपको इसकी जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है तो। थैंक यू, बाय बाय। बाय बोलकर बुके ले गई। Excuse me, madam. Hello. Hello. क्या है भाई? देख क्या रहा है? देखो, मैडम का दुपट्टा बाहर है। मैडम आपका दुपट्टा बाहर है। Yes, Ravi speaking. मैं बोल रही हूँ। तुम्हारा एक और प्यारा नाम है ना? शुभ लक्ष्मी, तुम हो? कहाँ से बात कर रही हो? कहाँ से? ये क्या है सुबोध रवि? मैं तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पे इंतजार करती रही और तुम मुझे रिसीव करने आए ही मतलब, नहीं। तुम आ गए क्या? फिर तुमने गले में लॉकेट की वजह से मैं हूँ समझकर किसी और को बुके दे दिया। तुम जब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे तो मैं यही सोच के घबरा रही थी कि कहीं तुम मुझे सबके सामने मतलब? मैं तो तुम्हें पता चला? हाँ फिर क्या, सही वक्त पे वो आंटी के बीच में आने से मैं बच गई, वरना मैं तो तुम्हारे हाथों में कैद होके रह जाती। सुनो सुबोध रवि, मैंने सोचा कि तुम बहुत समझदार हो, पर तुम्हारे बायोडाटा में सिर्फ एक चीज की मिसिंग रह गई। तुम सड़क पे चलने वाली लड़कियों के दुपट्टे का रंग और उसकी डिजाइन, उसके ओढ़ने का स्टाइल बहुत ध्यान से देखते हो। वो तुम थी क्या? हाँ मैं थी। तुम्हारी सोशल सर्विस मुझे पसंद आई सुबोध रवि। कार डोर में मेरा दुपट्टा फंस गया तो तुमने हेल्प की। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो दुपट्टा तुम्हारा था? वो दुपट्टा मेरा ही था सुबोध रवि। प्लीज सुबोध लक्ष्मी, मुझे और टेंशन मत दो। कहाँ हो तुम? तुम मुझे पकड़ नहीं सकते सुबोध रवि, क्योंकि मैंने अपना फोन नंबर लॉक कर दिया है। Fantastic, रवि, बॉक्सिंग गेम के लिए तुम्हारे अंदर सारी क्वालिफिकेशन है। यू हैव अ वेरी गुड टाइमिंग। थैंक यू सर। तुम अगर ध्यान से खेलोगे तो इस साल नेशनल चैंपियनशिप अपने ही क्लब को मिलेगी। अपने क्लब की प्रेस्टीज और इमेज तुम्हारे हाथों में है। श्योर सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके, गुड लक। हाय अपर्णा, विदेश से कब आई? कल आई। गुड मॉर्निंग सर। हेलो अपर्णा, मॉर्निंग। Take your seat. Thank you, sir. Congratulations, Miss Aparna. तुमने गेस करके सही कोड दिया था। वो प्रोजेक्ट हमें ही मिल गया है। मैं बहुत ही खुश हूँ। Thank you, sir. Anyhow, ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द खत्म होना चाहिए। इसीलिए मैंने टेम्पररली एक और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है। May I come in, sir? Yeah, please. Hello, Mr. Ravi. अभी हम आपकी ही बात कर रहे थे। Meet my project manager, Miss Aparna. हेलो। हेलो अपर्णा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में रवि से बात करो। ओके सर। प्लीज कैरी ऑन। चले। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी?
नो थैंक्स। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी का एम्प्लॉय दुनिया में कहीं भी जुड़ सकता है। एक्सक्यूज मी, शायद पहले मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने आपको कहीं नहीं देखा है। नहीं, हम जरूर कहीं तो मिले हैं। मुझे याद नहीं, आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं पहले उस पे ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। इसमें आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, सो वी शुड मेक इट एज सून एज पॉसिबल। अपर्णा जी, आपने इससे पहले कहाँ काम किया है? आप चाहते क्या हो? हम जब से यहाँ आए हैं आप पागलों जैसी बातें कर रहे हो, अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो। आप अपने आप को समझते क्या हो? आप मुझे गलत समझ रही है। क्या गलत समझ रही हूँ? एक लड़की से पहचान हो गई तो तुरंत सारा काम छोड़कर? मैंने आपको कहीं देखा है, आपकी आवाज सुनी हुई लग रही है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आप लोग लड़कियों को समझते क्या है? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ मैडम। आप कैसे आदमी है मैं सब जानती हूँ। आई एम सॉरी मैम। ओके, मैं बिलीव करती हूँ कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। चलिए हम ये सब भूल जाएं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। प्लीज सिट डाउन, अपना काम शुरू करते हैं। मैं इस मूड में काम नहीं कर सकता, कल फ्रेश मूड में काम करूंगा। प्लीज। जैसे आप सोच रही है ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं है। दरअसल मेरे मन में किसी की तस्वीर है, उसी लड़की के लिए मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। प्लीज। Thank you.
मेरी दुनिया है अब तुझसे, तेरे पास आ जाने से है चैन पाता दिल मेरा, तेरे इश्क में डूब जाने को दिल चाहे मेरा, दर्दी दिल की मेरी तू दवा, तुझे पाने की मैं मांगू दुआ, मेरी आंखों में तेरा ही चेहरा, मेरी यादों में तेरा ही बसेरा, मैंने चुन लिया तुझे handsome, 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 I love you, handsome, 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 I love you, handsome. अरे ये क्या, ये मेरा ही घर है ना, ये मेरे घर पर दादा लोग क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं हो सकता, दादा लोग मेरे घर पर रहने का कोई संबंध ही नहीं आता। ए रुक, हाँ? ये तेरा घर है? ए बेसर, तुम लोग कौन हो? ये सब बाद में बताता हूँ, मेरा भाई अंदर है, चल जल्दी चल। भाई, ये भाई कौन है? हाँ भाई, दो महीने फुल रेस्ट लूंगा। हाँ, भाई कल ही जेल से छूटा मैं। हाँ भाई, घर का एड्रेस चेंज कर लिया है, अब से यही एड्रेस है। हाँ? नहीं नहीं, अभी तक मर्डर नहीं किया, अपने छोकरे कैंडिडेट को पकड़ के लाने वाले, मैं बस आपको टपकाते ही बता दूंगा। हाँ, रखता हूँ भाई। आप कौन है सर? आप किसी का मर्डर करने के लिए बोल रहे थे? मजाक कर रहा था, किसी और को क्यों टपकाऊंगा, तू है ना? हाँ, मैं? पर मर्डर करने के लिए मैं उतना पावरफुल कैंडिडेट नहीं हूँ सर। क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? हम लोगों ने इतनी मेहनत करके पंचकुट्टा की जमीन पर कब्जा किया और प्लान बनाया, और उस लैंडलॉर्ड ने हमारे बोर्ड को हटा के उस जमीन को तेरे को बेच दिया, वो किस लिए बता? कंप्यूटर स्कूल भाई। तू मेरी हिम्मत की तू कंप्यूटर स्कूल शुरू कर दे, अबे पागल। ए, हमने इस घर के ऊपर कब्जा कर लिया, सुन ले तू। मेरे घर पर तुम कब्जा करोगे? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और तुमको जेल के अंदर करवाता हूँ। पुलिस को फोन करेगा? चल फोन कर, कमाल कर रहा है। भगवान कृष्ण और मैं एक ही टाइप के हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और मैं जेल में ही पैदा हुए थे, तू नहीं मानेगा। खैर ध्यान से सुन, जब तक हम दूसरी जगह कब्जा नहीं कर लेते हैं, हम यही रहेंगे, हम यही खाएंगे और यही सब कुछ करेंगे। रागिनी, एक गिलास ठंडा पानी लाओ। रागिनी। हाँ लाती हूँ। रागिनी? रागिनी मेरी पत्नी है, हमारी शादी को 10 साल पूरे हो गए लेकिन मैंने अभी तक रागिनी नहीं पुकारा, तू कौन होता है? चुप है, बहन को रागिनी कहना गलत है क्या? मेरी पत्नी तेरी बहन कैसे हो सकती है? हाँ भाई, मुझे कोई बहन नहीं थी, इसलिए रागिनी के रूप में मुझे भगवान ने दे दी। साली जी, आपके रागिनी बोलने के स्टाइल पर मैं गलत समझ गया था। चुप, साला साला बोला तो काट के फेंक दूंगा। भैया, सिर्फ इन्हीं साला बोलने दीजिए ना भैया। ठीक है, बोलो भाई, सुन लेते हैं। साले! अरे भाई! एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आप एक बात जानते हैं क्या? क्या है बताओ। अपना रवि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि अच्छा बॉक्सर भी है। आई नो, आज होने वाले कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है। चलें क्या? हाँ चलते हैं सर। Yeah.
आप जीत कर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सर। कंग्रेचुलेशन रवि। थैंक यू। यहाँ पे सभी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है मैडम, मगर जिसे तारीफ करना चाहिए वो ही नहीं है। डोंट वरी, मैं सोचती हूँ कि आप अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, सच में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो, कंग्रेचुलेशन। किस लिए? बॉक्सिंग में जीतने के लिए। तुम वहां आई थी क्या? हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया इसलिए। तुम्हारा पूरा दिमाग बॉक्सिंग में लगा रहेगा तो मुझे कैसे पहचानोगे? अच्छा ये बताओ, तुमसे जो लड़की बात कर रही थी, प्लीज मुझे बताओगे वो लड़की कौन थी? झूठ मत बोलना। वो मेरा पर्सनल मामला है। अच्छी तरह सोच समझ कर बोल रहे हो ना। वैसे तुम जानना क्यों चाहती हो? ऐसे ही पता कर रही थी। वैसे जानकर करोगी भी क्या? उस लड़की ने मुझे लंच पे बुलाया, तुम साथ चलोगी क्या? क्या? तुमने उसके साथ लंच पे जाने का डिसाइड भी कर लिया? नो डाउट, अगर एक खूबसूरत लड़की लंच पर बुलाए तो कोई मना करेगा क्या? सच में वो लड़की बहुत खूबसूरत है क्या? क्या हुआ, बहुत दुख हो रहा है? क्यों दुख होगा मुझे, इस दुनिया में तुम्हें मेरे सिवा कोई लड़की पसंद नहीं आएगी मिस्टर सुबोध रवि। इसका मुझे भरोसा है। ओके, ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून। आप ऐसे क्यों देख रही है? आपने लंच में मुझे ही बुलाया है ना? आई एम सॉरी, प्लीज कम। आपके घर में और कोई नहीं है क्या? ये कंपनी का दिया हुआ गेस्ट हाउस है, ये घर शहर के इस कोने पे है और मेरा घर शहर के उस कोने पे। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ओके। आप इसे मत देखिए। क्या हुआ इसमें ऐसा? ये मेरा पर्सनल है, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मतलब आप तो आपका भी कोई है क्या? कांग्रेचुलेशंस, कौन है वो लकी फेलो, जरा मुझे भी तो दिखाइए। प्लीज मुझे अभी इनसे खुद बात करनी है। वो बड़ा ही किस्मत वाला है। क्यों? आप जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की का दिल चुराया ना, इसलिए। ये क्या है, इतनी सारी वैरायटीज बनाई है आपने ही बनाया क्या? इन्हीं हाथों से बनाया है। ओहो, क्या बात है, वेरी गुड। आप भी बैठिए ना। गेस्ट फर्स्ट, प्लीज फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, बैठिए ना। साथ में खाते ना। ये बताइए, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहती थी पर काम की वजह से पूछ नहीं पाई। क्या बात है पूछी? वही फर्स्ट टाइम आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे? वो सुबलक्ष्मी के बारे में बात कर रहा था। उस लड़की से मेरी कब मुलाकात करवाएंगे? ये क्या बात हुई, आपके पास आपके चाहने वाले की तस्वीर है, वही आप नहीं दिखा रही है? और ऐसे में जिसका मैं आता पता नहीं जानता, उससे मिलने की बात करिए। अरे ऐसी बात है, वो लड़की कहाँ रहती है आप नहीं जानते? यही रहती है ये तो पता है, लेकिन कहाँ रहती है ये नहीं पता। वो जहाँ कहीं भी रहे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा बसी रहेगी। अच्छा, ऐसा कहना आजकल लोगों का फैशन हो गया है। प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरी सुबलक्ष्मी ऐसी नहीं है, उसके बातों में सच्चाई, उसके दिल में जो प्यार है उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता मुझे। सॉरी अगर मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई तो मुझे माफ कीजिए। एक बात बताऊं मैं, मेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की आए तो वो सुभलक्ष्मी हो, ऐसी मेरी तमन्ना है।
वैसे आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक्स। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों जल्द मिल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले उसको मैं आपसे ही मिलाऊंगा। देखते हैं। वैसे अब अपने चाहने वाले से कब मिला रही मुझे? जब आप मिलाएंगे तभी मैं मिलाऊंगी। ओके। अरे इतनी सारी टीवियां यहां क्यों रखी हैं? नहीं भाई, ये सब कंप्यूटर है। हाँ भाई, इसी धंधे से इस आदमी ने करोड़ रुपए कमा लिए हैं भाई। अच्छा क्यों साले जी, तुमने घर में मेरा जीना हराम कर दिया है, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? टेंशन मत लो जीजा जी, मैं परेशान करने नहीं आया हूँ, फिर यहाँ इंस्टीट्यूट में सीखने आया हूँ। थैंक्स साले, आज ही मेरा टैलेंट तुम्हें याद आया है, चलो बिठा कर सिखाता हूँ। चलो। साले जी आप जानते हैं ना ये ए है? ये क्यों नहीं जानता हूँ मैं? अरे भाइयों हमने ए फिल्में कितनी देखी हैं? हाँ भाई, ये वो ए नहीं है साले जी, ये ABCD का ए है। वो सब मैं नहीं जानता, बस ए को दबाने से फटाफट गिरना चाहिए। फटाफट गिरना चाहिए? अरे पैसा पहले आप सीख तो लीजिए साले जी, फिर आप कंप्यूटर में दुनिया की कोई भी चीज फीड कर सकते हैं। उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ए दबाने से ऐश्वर्या दिखनी चाहिए, सी दबाने पर चंद्रबाबू नायडू दिखने चाहिए, के दबाने से खाली जगह दिखनी चाहिए। खाली जगह किस लिए साले जी? खाली जगह किस लिए पूछ रहे हो? अरे यार कब्जा करने के लिए। साले जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करने की कोशिश करो वो कभी सीधी नहीं होती साले जी। क्यों सीधी नहीं होती है? हमने तो अच्छे अच्छों को कर दिया, तो इसकी तो ऐसी की तैसी। हटो हटो हटो, आप बच्चे की तरह क्यों रो रहे हैं सर? आपको क्या चाहिए मुझसे बोलिए, आप उठिए जल्दी उठो ना। अरे तू इतना छोटा फिर भी तुझे कंप्यूटर आता है क्या? बहुत अच्छी तरह। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर है। दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड। तो इससे ही ताला खोलते हैं। दिस इज कॉल्ड माउस। तो ये इसको चूहा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लॉपी, यू मस्ट कीप इन दिस। मैं समझ गया, ये सारा प्रोग्राम फ्लॉप। आर यू फॉलोइंग मी? फॉलोइंग। अरे भाई बिल्कुल फॉलोइंग। अरे भाई इसमें आएगा? लगता है मेरे बॉस की तरह आपको भी इंग्लिश नहीं आती। मुझे क्यों अंग्रेजी नहीं आती? मेरे शिष्यों को नहीं आती। That's all right. If you understand, you can come tomorrow. Please continue. Okay? Okay, okay, ठीक है, ठीक है। अरे लड़का तो बहुत खतरनाक है, टीचर है क्या? No, 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 no. Boy, office boy. Office boy. ये इस खतरनाक लड़के पे नजर रखना। खत्म कर दूंगा भाई। अरे क्या आदमी है तू? नजर मतलब संभाल के रखना। अरे क्या आदमी, कहाँ से लाए तू इसको? तू हेलो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सुभलक्ष्मी तुम हो? थैंक यू वेरी मच। आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें कैसे पता? Where there is a will, there is a way. थैंक यू वेरी मच। मुझे विश करने के लिए तुम अभी तक जगी रही क्या? तुम मेरी आंखों में रहोगे तो मुझे नींद कैसे आएगी सुबोध रवि? मैं तुम्हें एक सरप्राइज न्यूज बताऊं? क्या? कल मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने वाली हूँ। क्या है वो? वो ये है, कल सुबह 10 बजे हनुमान मंदिर में मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। सुबह 10 बजे क्यों? हम अभी मिल लेते ना, प्लीज। मैं कौन हूँ ये तुमने जाने बिना इतना इंतजार किया, तो आखिरी के 10 घंटे और इंतजार नहीं कर सकते सुबोध रवि। बाय। या दिल में तू मेरे, तो
छोड़ी बस जा दिल में मेरे तुम चुड़िया हाय रे हाय रे तुम चुड़िया अकेल तू संग रंग मेरे आ नच ले संग संग मेरे तुम चुड़िया हाय रे हाय रे तुम चुड़िया जन्नत से उतरी है तू है कोई हूर परी निगाहों से तूने तेरे की है मुझ पे जादूगरी Oh, sorry.
क्या है? एक बार मैं उनसे मिलकर आ जाऊं क्या? उनसे? दादी दादी एक बार उनसे मिलकर आ जाऊं क्या? मेरे साथ चल। अरे अरे तू तेज क्यों भाग रही है? धीरे चला। तेज चुप बैठो ना, प्लीज चुप बैठो। अरे मेरी बात तो सुन, गाड़ी धीरे चला। नहीं दादी। जानती है इस वजह से हमारी बेइज्जती होगी। बीच सड़क पर उस लड़के ने तुझे चुम्मा दे दिया, तूने इस फालतू लड़के से दोस्ती क्यों की? हमारी इस बेइज्जती की वजह तू है। चार लोगों के सामने तू सर उठा के कैसे चलेगी? हम लोग लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? कम से कम हम लोगों का ख्याल तो रखना चाहिए था। अब ऐसा करने से बता तेरे से शादी कौन करेगा? और कौन करेगा? वही शादी करेगा। क्या क्या बकरी है तू? मैं बक नहीं रही हूँ, कह रही हूँ कि वही शादी करेगा। तू कैसे बातें कर रही है? बता मैंने कौन सा पाप किया था? तेरी तरह मैंने इसे भी पाला है। क्यों रे? ये बता इसने कभी ऐसी हरकतें की? अगर तूने दोबारा ऐसा पागलपन किया ना तो मैं तुझे मार दूंगी। तुम चाहे मुझे मारो पीटो जला दो, मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। नानी ने तुम्हें गुस्से में डांटा ना, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? सिर्फ गुस्सा ही करती रहती है। कभी मेरे पसंद के बारे में एक बार भी पूछा है क्या? नानी ने नहीं पूछा तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ। मैं रवि से प्यार करती हूँ। मतलब तुम उसे पहले से जानती हो? जानती हूँ। मैं कौन हूँ वो नहीं जानता, फिर भी मैं उससे दिल से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पर मैंने अब तक उसे कोई बात नहीं छुपाई, पर जब कभी मुझे प्यार होगा तब मैं उसे सरप्राइज दूंगी। देखो मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, देखो।
उसके प्यार को पाने के लिए मैंने बहुत सारे लव लेटर्स लिखी, वो भी अपने खून से। ओहो, लव लेटर है? मैम साहब, मेरी पत्नी के मरने के बाद से मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है, और आप अपनी बेटी दामाद को खोने से बहुत दुखी हैं। मुझे मिलिट्री से तुरंत आने का ऑर्डर आया है, मुझे जाना ही होगा, इट्स माय ड्यूटी। अगर मेरे आने तक आप मेरी बेटी का ख्याल रख सकें तो। सुनो भैया, तुम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, इस देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए जा रहे हो, उसके सामने ये कोई बड़ा काम नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी का अपनी पोती की तरह ख्याल रखूंगी, तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो। धन्यवाद। मेरे जैसे अनाथ की तरह पलने वाली लड़की को इस परिवार ने अच्छी जिंदगी दी, उस परिवार को मैं अपनी जिंदगी के लिए कभी दुखी नहीं करूंगी। अपनी खुशी के लिए मैं दिव्या की चाहत का गला नहीं घोटूंगी। मैं अपर्णा रवि से प्यार करने वाली शुभलक्ष्मी नहीं हूँ। अभी से इस वक्त से वो शुभलक्ष्मी मर गई, शुभलक्ष्मी मर गई, शुभलक्ष्मी मर गई। सुनो दिव्या, हम दोनों बचपन से एक दूसरे का सुख दुख बांटते आए हैं, तुम्हारे प्यार में मैं मदद करूंगी। सुनो, नानी को मनाकर तुम दोनों की शादी करवाना मेरा फर्ज है। तुम जिस रवि से प्यार करती हो वो कोई अनजान नहीं, बल्कि मेरा एक अच्छा दोस्त है, मैं उससे बात करूंगी, ठीक है ना? शुभलक्ष्मी, शुभलक्ष्मी, तुम सुबोध रवि यहाँ पे? तुम्हें सोते वक्त जागते वक्त मैं ही दिखाई देता हूँ ना? लेकिन तुम मेरे बेडरूम में कैसे आ गए? बेडरूम में तो क्या, मैं कहीं भी आ सकता हूँ। अरे अरे, कहीं दादी ने देख लिया तो? तुम्हारी नानी देखे इसका कोई चांस ही नहीं है, ये सब ख्वाब है, जस्ट अ ड्रीम। ड्रीम है कैसे, मेरी आंखें तो खुली हुई है। तुम आंखें खोलकर ख्वाब देख रही हो, यकीन ना हो तो चुटी काट कर देखो। ठीक है, मुझे चुटी काटो। लेकिन चुटी तो चुटी की तरह नहीं लग रहा है। सपना ऐसे ही तो होता है। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर हो ना। ओ माय गॉड, ख्वाब है ना, तो फिर जल्दी निकलो। बस इतना ही, मैंने तो सोचा था कि तुम किस करोगे इसलिए डर गई थी। अरे, तुमने याद दिला दिया। इस टच से मुझे कुछ कुछ होने लगता है रवि। सजना, कर लो प्यार, कर लो, भीगी है जवानी।
आ जाओ पाओ में तुम रानी, जवानी दीवानी है। से शोला सा भड़के मिलने को तुझसे, हाय मेरा दिल तड़पे, दिल को मेरे अब न तड़पा प्यास बुझा दे, दूर ना जा, जो भी चाहे कर लो सजना, हमको मिला बारिश का बहाना, पास आ जा प्यार बरसा, अंग से अंग लगा अब ना यू तड़पा, मेरे आग लगाए भिगा भिगा ये समा, आए भिगा भिगा ये समा, कर लो प्यार कर लो भीगी है जवानी, आओ 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 मैं तुम रानी। तुझको ही चाहूं तेरी यादों में खो जाऊं, तू है मेरे दिल का राजा, प्यार करूं तुझे हद से ज्यादा, समझो तुम मौसम का इशारा, नेक नहीं है दिल का इरादा, आ सजना बारिश में है तन मन जल रहा, लग जा गले से अब रहा ना जाए, दिल में मेरे आग लगाए भीगा भीगा ये समा, भीगा भीगा ये समा, की है जवानी, आओ आओ बाहों में तुम रानी, भीगा है समा जागे है अरमां, दूर तू न जा बाहों में आ जा, दिल में प्यार है अभी जवा, प्यार में खो जाए औ सजना, कर लो प्यार कर लो भीगी है जवानी, आओ आओ बाहों में तुम रानी, आओ रानी बाहों में आ जाओ। अब छोड़ो भी, सपना खत्म हो गया। इस तरह क्यों घूर रहे हो मुझे? सुबह, तुम कौन हो, कहां रहती हो, जाने बिना मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे घूमता रहा, लेकिन तुम्हें पाने के बाद मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इस पल का मुझे कब से इंतजार था पता है? मैंने तुम्हें परेशान किया, इसके लिए सॉरी। सॉरी क्यों? तुम्हें पता है तुमसे मिलके मैं बहुत खुश हूं। सुबह, अब तो तुम्हें पता चला होगा, इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का है जो तुमसे बेहद प्यार करता है। दिव्या, दिव्या, अरे दादी आ गई, अब क्या होगा? ए, इतना डरने की क्या बात है, उनसे शादी की बात करते हैं ना। आओ। नहीं नहीं, अरे कल के किसकी वजह से वो मुझे डांट रही थी। प्लीज जाओ ना यहाँ से। जाओ क्या? ऐसा तो कल शाम को 4 बजे सेंटर पार्क में मिलने आओगी ना? नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? नानी, तुम अब जाओ ना। I'm so happy. जैसे तुमने बोला मैंने वैसे ही किया, उसे यकीन हो गया कि मैं सुबह लक्ष्मी हूँ। I'm very very happy.
क्या यार, रात में क्यों जगा दिया? अभी अभी तो सोने के लिए बेड पर लेटा था, तुरंत क्यों जगा दिया? हमारे भाई को अर्जेंट में 5,000 रुपए चाहिए। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? तुम अगर पत्ते खेलो, कोई साथ होना चाहिए ना। देख सुन, 5,000 रुपए चाहिए तो मैं दे दूंगा, पर भले ही मैं मर जाऊं लेकिन ये पत्ते का गेम नहीं खेलूंगा। अरे क्या मैं फुटपाथ का भिखारी लगता हूं तेरे को जो तू मेरे को पैसा देगा? मैं शेरू खेल खेलूंगा और जीत के पैसा लूंगा। जल्दी जल्दी खत्म करो ना, नींद आ रही है। ये लो। वाह वाह वाह, क्या बात है। जल्दी खेलो ना, नींद आ रही है। तुम चुप रहो यार, मुझे मेरी टेंशन है। अरे शो, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई के सामने तू खेल खत्म करेगा क्या? ये क्या बात है, मैं जीत गया तो खेल खत्म नहीं कर सकता क्या? वो सब मेरे को नहीं मालूम है, जब तक मैं नहीं जीतेगा खेल खत्म नहीं होगा। जिसने खेल खत्म किया उसकी डेड बॉडी सोफे पे लिटा दूंगा, समझा? जल्दी करो ना, नींद आ रही है मुझे। अच्छा ठीक है, लो खत्म करता हूँ। ये लो इक्का और ये लो केक, ये पकड़ो डायमंड, ये लो रानी। 13 पत्तों के बदले मैंने 26 पत्ते डाल दिए। रात को 12 बजे पत्ते खिला रहे हो, एक तो मेरी नींद हराम कर दी, ऊपर से 4 बजे तक पत्ते खिला दिए। एक तो तुम नहीं जीत रहे हो या तो मुझे जीतने नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं जीतेगा, कार्ड आएगा तब जीतेगा ना। हेलो हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मीट माय फ्रेंड अपर्णा, तुम्हारी कलीग और अच्छी दोस्त। ज्यादा डिटेल बताऊं तो तुम्हें बार बार डिनर पे बुलाती है, जरूरत पड़ने पे तुम्हारी क्लास भी ली है। अरे ये सब तुम कैसे जानती हो? सिक्स सेंस। देखिए बुरा मत मानिए, ये लड़की थोड़ा ऐसी फास्ट गर्ल, तुमसे प्यार करती है और तुमने दीवानेपन में किस दे दिया। उस वक्त तक किसी और ने तुम्हें भाव नहीं दिया था। ये कैसे पता जानते हो? सेम सेंस। तुम दोनों दोस्त हो क्या? अरे कैसे कैसे पता चला? ये न्यू सेंस है। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? बचपन से साथ में रहे और साथ में ही बड़े हुए हैं। तुम सुबलक्ष्मी को जानती हो? कभी बताया नहीं तुमने मुझे। बचपन से ही साथ में है और हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। खैर छोड़ो, एक मुझसे दिल से प्यार करती है और दूसरी मेरी अच्छी दोस्त है। आई एम वेरी लकी। ओके, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। ओके, मैं भी आती हूँ। मेरी जिंदगी के ख्वाब में रहने वाली बात को तुमने हकीकत में बदला। मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूँ पता नहीं चल रहा है। अरे पगली, हमारे बीच में ये कैसे आया? अच्छा बताओ, तुम्हारा सुबोध रवि क्या बोलता है? वो बहुत सेंसिटिव है, अगर उन्हें पता चले कि मैं सुबह लक्ष्मी नहीं। क्या पर्सनल है? नहीं, पब्लिक बात है। कॉफी और टी? टी। नाइस। ये कैसे बनी है, शुगर ही नहीं है। शुगर क्यों नहीं है, मैंने तो खुद अपने हाथों से डाला है। देखो मीठा तो है। अच्छा, अब मीठी लग रही है। कैसी लगी मेरी सुबलक्ष्मी? बहुत अच्छी है। तुम्हारी दोस्त है इसलिए कह रही हूँ ना? नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त और वेलविशर हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैंने तो अपनी सुबलक्ष्मी से मिला दिया, तुम अपने सुबोध रवि से कब मिला रही हो मुझे? सुबोध रवि? हाँ, परिचय कराने के लिए सोचा था लेकिन मिस हो गया। इट्स माय बैड लक। ये बताओ तुम लोग शादी कब करोगे? इतनी जल्दी शादी? ऐसा मत बोलो रवि, दिव्या के बारे में मेरी नानी, प्लीज समझने की कोशिश करो। हम जानते कि तुम हमारी भलाई सोचती हो, अगर तुम चाहती हो कि हमारी शादी हो जाए तो यही सही। थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। Thank you.
हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहा है और आज कॉटन सूट पहनकर बॉस की तरह आया है। यस, मैं आज ही एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ, ये लीजिए इनविटेशन कार्ड। तो तू इंस्टीट्यूट ओपन करेगा कहाँ? आप ही के सामने। कमीने, मेरा सॉल्ट खाकर मेरे ही सामने अपनी इंस्टीट्यूट खोलेगा? सिर्फ इंग्लिश तो आती है तुझे, पर तेरे आगे पीछे और क्या है बता? मेरी आगे की कहानी बताने का टाइम नहीं है, पर पीछे कौन है ये बताता हूँ। मिस्टर कब्जा, क्यों बे पागल हो गया क्या? प्रिंसिपल को क्यों परेशान कर रहा है तू? तू स्टूडेंट है और ये प्रिंसिपल है? मैं फाइनेंसर हूँ। तुम फाइनेंस लेकर इसके भरोसे पर इंस्टीट्यूट खोल रहे हो? बैड टाइम। डोंट टॉक रबिश। ए चुप रह, तमीज से बात कर तू, समझा? बोलो बॉस। फालतू में बहस करने का क्या, चलो मुझे गोद में उठाओ। सुनो मिस्टर कोटेश्वर राव, अभी और बहुत से लोगों को इनविटेशन देना है, कम ऑन कब्जा। सुन मिस्टर कोट, यू कम टू द फंक्शन विद सिस्टर फॉर ओपनिंग सीयूस। छी, ये भी अंग्रेजी बोलने लग गया? कलयुग है, कंप्यूटर का जमाना है। नानी, क्या है बेटी? नानी, रवि के माँ बाप शादी के लिए तैयार हो गए हैं। सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ नानी, अब आपको दिव्या के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने तेरे लिए भी एक लड़का देख लिया है। अगर तुम दोनों की शादी एक साथ हो जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बचपन से ही आपने मेरा पालन पोषण किया, आपने मुझे माँ से ज्यादा प्यार दिया। आप मुझे थोड़ी देर अपनी गोद में रखिए ना नानी, मेरी शादी के लिए जबरदस्ती मत कीजिए नानी, प्लीज नानी। मैं दिव्या की शादी खुद रह के करवाना चाहती हूँ नानी। अपना, मेरी शादी होने पर तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी शादी तुम्हारे मनपसंद लड़के के साथ हो रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरी शादी कब होगी इसके बारे में नहीं सोचा था ना? जो कुछ भी हुआ ये सोच के खुश हो रही हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरी शादी हरगिज नहीं होती। क्या हुआ, अभी तक सच सवर के खत्म नहीं हुआ? खत्म हो गया नानी। अरे जल्दी कर, मैंने चार पांच औरतों को भी बुलाया है। चार पांच औरतें क्यों? कैसी बात कर रही है, सुहागरात में जाने से पहले क्या क्या करना है यही बताने के लिए बुलाया है। दूसरों को बुलाने की क्या जरूरत, सुहागरात में क्या करते मुझे पता नहीं है क्या? छी, सुहागरात होने से पहले सुहागरात के बारे में बात करने से बेइज्जती होगी। तू मुझे गलत समझ रही हो दादी,
मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी है। अरे वो सुहागरात में और ये सुहागरात में बहुत फर्क होता है बेटी, तू नहीं समझेगी, ये ले। पता नहीं क्यों अपर्णा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो क्यों? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं सुभलक्ष्मी नहीं हूँ तो फिर क्या होगा? मैं सुभलक्ष्मी नहीं हूँ इसी बात का डर लग रहा है। अगर सही से ये रात निकल गई तो सुभलक्ष्मी की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तुम बिल्कुल मत डरो दिव्या, अब सुभलक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अगर मैंने उनको कह दिया कि मैं सुभलक्ष्मी नहीं हूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे ना। मैं तुमसे कह रही हूँ ना दिव्या, तुम मुझ पर विश्वास करो दिव्या। तुम पहले अंदर जाओ, कुछ भी नहीं होगा। खड़ी क्यों हो? अंदर चलो। इतनी प्यारी हसीना शर्मा रही है। आओ बैठो। ये दूध, ये मोगरे का फूल, सजा हुआ बिस्तर, मिठाइयां, ये सब एक आम बात है। इससे भी खूबसूरत, डिफरेंट, सबसे अलग अनुभव इस दुनिया में किसी भी जोड़े ने ऐसी सुहागरात नहीं मनाई होगी। ऐसी जगह पर हम सुहागरात मनाएंगे, तुम चलोगी ना? कर लो मजे, तुम ले लो फिर अब तुम ना करो, प्यार
आजा पास बुझा दिल की प्यास अब और न तरसा रे विलन की आई है यारा घड़ी ये सुहानी तन मन मिलेंगे अब यारा खिलेगी जवानी बाहों में आजा है भर लूं जी भर के मैं प्यार कर लूं दे दे अरमां पूरे कर लूं प्यार में अब मैं खुद को भुला दूं हमारी आशिकी बड़ी है दिल नशी है मेरी बंदगी तो मेरी जिंदगी तुम बिल्कुल मत डरो दिव्या अब शुभलक्ष्मी कभी नहीं आएगी अगर मैंने उनको कह दिया कि मैं शुभलक्ष्मी नहीं हूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे ना हम यही सुहागरात मनाएंगे चिता के जलने की खुशबू आ रही है हमें समाधि की तरह कोई बिस्तर नहीं मिलेगा सुहागरात मनाने के लिए यहाँ कोई नहीं है कितनी शांति है यहाँ हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा रात अच्छी कटेगी ये सुनसान शांति देखो जिंदगी में ऐसी शांति हमें कहीं और नहीं मिलेगी क्या सोच रही हो हा? अपनी सुहागरात के लिए दुनिया में ऐसी अच्छी जगह कोई नहीं है समझ रही हो आओ कम ऑन कम ऑन अरे क्या हुआ हा? मेरी शुभलक्ष्मी उसे डर रही है मैं बुला रहा हूं तो मुझसे दूर भाग रही है सच बोला तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया शुभलक्ष्मी का नाम लेकर तुमने मुझसे शादी क्यों की हा? बोल तुम्हें यहां लाने की वजह क्या है जानती हो हा? दो लोगों के बीच प्यार ना हो तो वो इंसान की सुहागरात नहीं मुर्दों की सुहागरात कहलाती है आज यहाँ मुर्दों की बस्ती में हम अपनी सुहागरात मनाएंगे कोई हमें नहीं रोकेगा कम ऑन कम ऑन कम ऑन रुको रवि रवि क्या कर रहे हो इसे यहाँ क्यों लाए हो तुम्हारा भी इस पाप में उतना ही हाथ है रवि जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिला है समझकर मैंने तुम्हें अपने दिल की सारी बात बताई और तुमने मुझे धोखा दिया तुम दोनों ने मिलकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हें हो क्या गया बता और बाकी क्या रह गया ये शुभलक्ष्मी है बोलकर तुमने मुझे बेवकूफ बनाया किसने बेवकूफ बनाया शुभलक्ष्मी समझ कर दिव्या को किस किया तुमने ये तुमने ही किया था ना अगर बाहर वालों को ये बात पता चल जाती तो फिर कोई इससे शादी करता क्या मुझसे तो जाने अनजाने में गलती हुई लेकिन तुमने तो मुझे जानकर सजा दी ये सजा नहीं रवि प्यार है इसने तुमसे दिल से प्यार किया है रवि अगर इसकी जिंदगी नर्क बन जाए तो क्या होगा जरा सोचो रवि अपनी बहन के साथ इंसाफ करने के लिए मुझसे नाइंसाफी कर रही हो तुम एक अच्छी दोस्त मानकर तुम्हारी दोस्ती की मैंने कदर की तुमने मुझसे धोखा कैसे किया हा? मुझे अपने दिल की नहीं सुननी मुझे दिव्या के भविष्य और उसके दिल के बारे में सोचना पड़ा अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन सब कुछ है तो मेरे लिए शुभलक्ष्मी सब कुछ है मुझे धोखा देकर मुझसे शादी करने के लिए ये जिंदगी भर अकेली रहेगी यही इसकी सजा है तुम यहाँ कोटी उस दिन शुभलक्ष्मी नाम की लड़की अपने ऑफिस में आई थी ये बात बताई थी ना तुम्हें शुभलक्ष्मी उसे तुम वापस देख लोगे तो पहचान लोगे ना क्यों नहीं पहचानूंगा पर ये कहने के लिए इतनी रात में आने की क्या जरूरत समझने की कोशिश कर कोटी मुझे उससे इसी वक्त मिलना है हाँ मैं शुभलक्ष्मी से बहुत प्यार करता हूँ यार तो फिर तुमने दिव्या से शादी क्यों की गलत फहमी की वजह से हो गई मैंने दिव्या को शुभलक्ष्मी समझा दिव्या ही शुभलक्ष्मी है कहकर उन्होंने मुझे धोखा दिया शुभलक्ष्मी नहीं मिलेगी तब तक मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा मुझे उससे मिलना है मुझसे गलती हो गई ये बात उसे बताना है अगर वो मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता कोटी प्लीज कोटी मेरी शुभलक्ष्मी से मुझे बस एक बार मिला दे वो मेरी जिंदगी है कोटी प्लीज कोटी जरूर ढूंढेंगे तुम चिंता मत करो
दिया। क्यों क्यों मेरी जिंदगी में तुम आई, क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेला? हाँ मेरी जिंदगी आराम से कट रही थी, अब मेरी जिंदगी के साथ साथ किसी और लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी मैंने। कम ऑन कम ऑन टेल मी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? रवि वो सुब्बलक्ष्मी तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रही है, तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने नहीं सुब्बलक्ष्मी ने धोखा दिया है, फिर भी तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो यार? कोटी आइंदा उस लड़की के बारे में ऐसा मत कहना, कोई भी इस दुनिया में धोखा दे सकता है लेकिन वो मुझे धोखा नहीं देगी। रवि वहां देख तेरे सुब्बलक्ष्मी। सुब्बलक्ष्मी यही है। यहाँ है? हाँ यहीं पर है। से जा रही थी तब मैंने उसे फॉलो किया, सिर्फ दुपट्टा मिला, वो कहाँ गई पता नहीं। तो तुम सुब्बलक्ष्मी से नहीं मिली? अगर वो मिल जाती तो मैं उसे छोड़ती क्या? वही रवि के सामने उसकी बेइज्जती कर डालती। तुम क्यों उस लड़की को बेइज्जत करना चाहती हो? सुब्बलक्ष्मी ने तुम्हें जानबूझकर धोखा तो नहीं दिया ना? जानबूझकर दिया हो या अनजाने में दिया हो, उसने मेरे रवि को मुझसे दूर कर दिया। उसकी चीजी रवि मुझे नहीं अपनाएगा, ना तो पत्नी का सम्मान देगा ना ही इंसान समझकर इज्जत करेगा।
वो मुझे अगर कहीं मिल गई ना तो पता नहीं मैं उसका क्या कर डालूंगी। हाय रवि, यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने सुना है बॉक्सिंग कंपटीशन में तुम कॉन्टेस्ट नहीं बनोगे, इस साल नेशनल चैंपियनशिप तुम ही जीतोगे। मैंने और क्लब के मेंबर्स ने तुम पर भरोसा किया था, और तुम ही अगर ऐसा करोगे तो फिर कैसे? सॉरी सर, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तुम इतने दुखी क्यों हो रवि? इस तरह का मौका सबको नहीं मिलता। प्लीज सर, अगर ऐसी हालत में मैं कॉम्पिटिशन लड़ूंगा तो मुझे मेडल नहीं मिलेगा सर। सॉरी रवि, मैं बॉक्सर को रिंग में ले जाने वाला रिंग मास्टर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उससे बॉक्सिंग करवाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। सुनो रवि, एक मैग्नेटिक बॉक्सर फ्यूचर कट डाउन पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, मुझे यही चिंता है। अच्छी तरह सोच लो, मैं तुम्हारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स का लास्ट मोमेंट तक वेट करूंगा। तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक लड़की अगर तुम्हें नहीं मिली तो तुम अपना पूरा फ्यूचर स्पॉइल कर दोगे। तुम अपने आप को दुख मत दो रवि, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। सुब्बलक्ष्मी कहाँ है कोटी, कहाँ है सुब्बलक्ष्मी? यहाँ नहीं है वो, पर देखना वो बॉक्सिंग कंपटीशन में जरूर आएगी। हाँ रवि, अगर सुब्बलक्ष्मी तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो बॉक्सिंग कंपटीशन में जरूर आएगी, देखना। यस, तब सुब्बलक्ष्मी को पहचान कर तुम्हारे पास पहुंचाना, ये मेरा फर्ज है। प्लीज रवि, प्लीज, वो जरूर आएगी, देखना वो जरूर आएगी। पे हाथ रख के बैठा है, ताली बजा। नहीं, चल चल यहां से। रवि, क्या हुआ है तुम्हें? कोटी, सुब्बलक्ष्मी आई क्या? अरे वो जरूर आएगी, पर पहले तुम्हारा जीतना जरूरी है। देखो वो तुम्हें मारने आ रहा है, कम ऑन रवि। सुब्बलक्ष्मी आई क्या? वो आई होगी, वो जरूर आई होगी, मैं जाकर देखता हूँ। कोटी, सुब्बलक्ष्मी से मुझे मिलना है, मुझे मिलना है सुब्बलक्ष्मी से। तुझे दर्द हो रहा है, जल्दी करना भाई, हॉलीवुड जाने के लिए टाइम हो रहा है। Thank you.
रवि तुम्हें जीतना होगा, तुम्हारे जीत में सामने से देखना चाहती हूँ। रवि तुम्हें जीतना होगा, तुम्हारे जीत में सामने से देखना चाहती हूँ। रवि तुम्हें जीतना होगा, तुम्हारे जीत में सामने से देखना चाहती हूँ। तुम किसी भी सूरत में मुझसे बचकर नहीं जा सकती। रवि प्लीज मेरी बात मानिए। कैसे मान जाओ, जानती हो तुम्हारे लिए उसने कितनी मार खाई है? अगर इसी तरह उसे परेशान करोगी तो रवि हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। नहीं ऐसा मत कहिए, रवि 100 साल तक जिंदा रहेगा, उसे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। हाँ, तुमने उसकी तरफ अपना लॉकेट फेंका और वो जीत गया। अगर तुम उसका जिंदगी भर साथ दोगी तो वो हमेशा के लिए जीतता ही रहेगा। ये लीजिए सर। हाँ लीजिए लीजिए सर जी। कौन है विनर? आप है भाई मेन विनर। हॉलीवुड हॉलीवुड भेज सकता मुझे। आप ही बताइए, मुझ अनाथ को जिस परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया उसे धोखा दूं क्या? तुम्हारी तो मेरे साथ जीने के लिए रवि को दिव्या को डाइवोर्स देना होगा। ऐसी जिंदगी जीकर मैं क्या करूंगी? तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैंने जो रवि से वादा किया है उसे मैं पूरा करूंगा, जरूर करूंगा। गोटी, सुलक्ष्मी कहाँ है? वो तुझे मिली ना? हाँ मिल गई। कहाँ है? कहाँ है? यहीं पर। कहाँ है? बता ना। गोटी, तुम्हारी बात सच हुई, मुझसे मिलने मेरी सुलक्ष्मी आई, अब कहाँ है वो? मैं उसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज बता कहाँ है वो, प्लीज। सॉरी रवि, मैं तुमसे मिलाना चाहता था पर वो वापस मिस हो गई।